चटपटे और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का जलवा 2018 में बॉक्स ऑफिस पर खूब छाया रहा, लेकिन अब 2019 में भी खेसारी लाल यादव का जलवा बॉक्स ऑफिस पर हमेशा रहेगा। जी हां, जिसकी तैयारी खेसारी लाल यादव ने जोर शोर से कर दिया है। वैसे आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव 2019 में कई सारी फिल्में साइन करने वाले हैं, यह तो कंफर्म है। लेकिन एक और फिल्म के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जी हां, जिसका नाम है बिहारी बाबू। जी हां, आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का नया फिल्म का नाम है बिहारी बाबू। हालांकि आपको बता दें कि बिहारी बाबू का अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से खबर आ रही है और साथ ही साथ इंटरव्यू के दौरान लाल बाबू पंडित यानी कि डायरेक्टर लाल बाबू पंडित ने यह अनाउंसमेंट किया गया है कि बिहारी बाबू में एक बार फिर से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ नजर आएंगे। यानी कि लाल बाबू पंडित ने हाल ही में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ कूली नंबर 1 की शूटिंग पूरा किया है और उन्होंने बताया कि लाल बाबू पंडित ने कहा कि उनकी आने वाली फिल्म यानी कि नेक्स्ट फिल्म में बिहारी बाबू में खेसारी लाल यादव नजर आएंगे। अब देखना यह है कि लाल बाबू पंडित ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करते हैं बिहारी बाबू के बारे में। जी हां, वैसे आपको बता दें कि लाल बाबू पंडित और खेसारी लाल यादव की जोड़ी की फिल्में हमेशा भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रहा है, जैसे कि जिला चंपारण ने और अब आने वाली फिल्म है कूली नंबर 1। अब देखना यह है कि लाल बाबू पंडित और खेसारी लाल यादव की जोड़ी कितना 2019 में सफल साबित होती है, यह तो आने वाले दिन में कन्फर्म हो जाएगा।